Hello, Jai Shri Ram. Very good. गोवा राइड के बाद मैं आया और फिर उसके बाद मैं गया कर्नाटका, और कर्नाटका में मैंने 4 दिन का ड्राइव किया था। मेरे फैमिली फंक्शन था और हमारे स्वामी समर्थ मठ का पूजा था वहाँ पे, क्योंकि दत्त जयंती के हिसाब से। तो आज मैं जा रहा हूँ कोमल को और यत्विक को लेके घूमने के लिए बाहर, और यत्विक का ये पहला लॉन्ग राइड होगा हमारे सिम्बा पे। तो ये फर्स्ट मोमेंट है जहाँ पे यत्विक हमारे साथ एक 30-35 किलोमीटर्स का राइड करेगा हमारे साथ। और अब तक मैंने यत्विक को कहाँ पे भी राइड पे नहीं लेके गया था, छोटा मार्केट बिर्केट यहाँ पे हम लोग लेके घूमते थे उसको। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ रोहन और आप सबका स्वागत है द राइड ऑफ ड्रीम्स चैनल पे। तो मिलते हैं जल्दी मोटो ब्लॉग पे। हो, कैमरा सेटअप हो गया है और सिम्बा का फील ले रहा हूँ मैं अभी। बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत। यत्विक ओए, घूमी चलो चलो चलो। तो दोस्तों 27th को मैं आया कर्नाटका के राइड से, दत्त जयंती था, मैंने आपको बोला ही था। तो हम लोग का वहाँ पे स्वामी समर्थ का मठ है, तो वहाँ पे एक फंक्शन होता है, वो मुझे अटेंड करना था हमारे फैमिली को। तो मैं वहाँ पे गया था कैसल रॉक में, जो गोवा और कर्नाटका बॉर्डर पे है। आपको वो लोकेशन कहाँ पे है तो आप मेरे लिस्ट में देख सकते हो। एक 6-7 मंथ्स बैक ही मैंने वीडियो अपलोड किया था कैसल रॉक का, कर्नाटका का। तो आपको पता चलेगा मैं कहाँ पे गया था। तो हम लोग जा रहे हैं गोराई बीच की तरफ। हम लोग आए पूरा मीरा रोड भाइंदर करके ऐसे जा रहे हैं, थोड़ा एक राइड ऐसा लंबा करके हम लोग आ रहे हैं, ताकि मुझे देखना है यत्विक भी हम लोग के साथ घूम सकता है कि नहीं ऐसे छोटे छोटे राइड्स पे। यूजुअली मैं बड़े राइड्स पे ये वो सब रिस्क नहीं लेना चाहता यत्विक और कोमल को लेके जाना, क्योंकि यत्विक बहुत ही छोटा है और छोटे राइड्स के लिए भी मैं यत्विक के लिए और कोमल के लिए कुछ ज़रूरी राइडिंग गियर्स लेने वाला हूँ। ये तो आज एक ट्रायल है और हम लोग बहुत ही आराम से जा रहे हैं। आज छुट्टी का दिन है, ऊपर से आज थर्सडे है, तो इतना क्राउड भी नहीं रहेगा बीच पे और रोड पे भी नहीं रहेगा। तो सब प्लानिंग के हिसाब से मैं निकला हूँ और बहुत ही सेफ और स्लो हम लोग जा रहे हैं। तो कुछ रिस्क फैक्टर करके नहीं कि छोटा बच्चा है और आप विदाउट हेलमेट उसको लेके जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं हम लोग। अचानक ध्यान गया मेरा, फ्यूल बहुत ही कम था, तो जाते जाते फ्यूल पंप मिल ही गया। तो पहले फ्यूल अप करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ऑसम ना यत्विक, क्या है सफेद सा फूल ना, फ्लावर। तो टैंक फिल अप हो गया है दोस्तों, और अभी हम लोग निकल रहे हैं टूवर्ड्स गोराई की तरफ। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है, इसको मराठी में हम लोग चाफा बोलते हैं। और स्वामी महाराज और गणपति बापा का तो बहुत ही फेवरेट फ्लावर है ये। तो चलो आगे की जर्नी चालू करते हैं। अगर आप कभी भी गोराई बीच आ रहे हो ना टूवर्स भाइंदर की तरफ से, मीरा भाइंदर की तरफ से, तो ये जो रोड है ना शाम के टाइम सनसेट के टाइम बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है। आप देख सकते हो सामने हमारा सनसेट होने वाला है कुछ ही मिनटों में या तो आवर्स में, आप देख सकते हो। और ये मस्त सा रोड लेफ्ट में राइट में सॉल्ट पैंस है, आप देख सकते हो, देखो दिस आर ऑल सॉल्ट पैंस। तो बहुत मस्त लगता है ये गोराई साइड के रोड पे घूमने का मतलब है ना, ऐसा लगता है गोवा में घूम रहे हैं ना। ये वाला फील पूरा गोवा का ही है, और बहुत से लोग इसे मिनी गोवा भी नाम देते हैं। मीरा भाइंदर का जो गोवा, सॉरी गोराई हो गया, उत्तन बीच हो गया, इसको मिनी गोवा ही बोलते हैं। बहुत से व्लॉगर्स ने मिनी गोवा के नाम से बहुत फेमस किया है ये सब लोकेशन को। तो मैं अभी रिसेंटली गोवा जाके आया हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अभी भी गोवा में ही घूम रहा हूँ। और कर्नाटका भी मैं गया था बाय कार हमारा इनोवा लेके, तो ऐसा लग रहा था कि अभी भी मैं वही सब लोकेशंस पे घूम रहा हूँ। कितना ब्यूटीफुल व्यू है, कैसे लग रहा है कोमल?
ऑसम। और यत्विक का? यत्विक तो हम लोग के दोनों के बीच में बैठ के ऐसा लेफ्ट से राइट से, राइट से लेफ्ट से ऐसा झुक झुक के देख रहा है कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं करके। ही इज मच मोर एक्साइटेड। वो सोया था, उसको हम लोग ने हल्का सा जबरदस्ती उठाया है और उसने जो 45 मिनट्स तमाशा किया है XYZ। बट जब उसको पता चला हम लोग घूमने जा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, शूज पहन रहे हैं, भाई साहब का मूड ही चेंज हो गया, पूरा पूरा मूड है चेंज। तो भाईंदर से अगर आप आ रहे हो वो साइड से तो फर्स्ट राइट लेने का है। यहाँ पे आपको दरिया किनारा का बोर्ड दिख जाएगा और वहाँ से आपको अंदर की तरफ आने का है। देखो आगे से भी गोराई के लिए एंट्री है, मगर वो बहुत रश रहता है और बहुत छोटा सा लेन है, और ये ज़रा अच्छा लगता है यहाँ से जाना, इसलिए हम लोग यहाँ से जाते हैं। ये जितने भी पिक्सी के बोर्ड दिखेंगे ना आपको, पिक्सी सी रिसोर्ट, तो ये पिक्सी सी रिसोर्ट को ये हम लोग को फॉलो करना है क्योंकि वहाँ से ही एंट्रेंस है टूवर्ड्स बीच के लिए। और मैंने जो पीछे राइट बोला था वो फर्स्ट चेक पोस्ट आएगा, वहाँ से हम लोग को राइट लेने का है। जब राइट लेंगे तो सामने आपको दरिया किनारे का बोर्ड दिखेगा, मैंने बोला था आपको अभी थोड़े टाइम पहले। तो वो राइट लेके आपको पिक्सी का बोर्ड को फॉलो करते करते यहाँ से जाने का है, क्योंकि बीच में एक या दो डाइवर्जन्स है तो आप मिस कर सकते हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। तो ये देखो फिर से एक पिक्सी का बोर्ड। तो ऐसा कुछ ब्यूटीफुल नेचर के नज़दीक से ये रोड जा रहा है, लेफ्ट राइट जहाँ पे भी आप देखोगे बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये देखो ये हो गया दरिया किनारा के लिए, सीधा लेफ्ट जाएंगे हम लोग पिक्सी। ये देखो ये आ गया हमारा पिक्सी रिसोर्ट, आप यहाँ पे भी आ सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है ये, बहुत ही अच्छा जगह है मैं बोलूँगा। और ये है हमारा गोराई बीच जो कि है उत्तन वाले साइड में, वो है उत्तन और यहाँ से जाएंगे तो गोराई की तरफ है, बट हम लोग जाने वाले हैं दरिया किनारा की तरफ। वो सामने है वो दरिया किनारा है, तो हम लोग यत्विक को यहाँ पे खेलने के लिए लेके आए तो सोच रहे वहाँ पे अकेले ऐसा प्राइवेसी में खेलेंगे और निकलेंगे घर की तरफ। ऐसा कुछ बीच है ये। प्लान में थोड़ा चेंज है, हम लोग यहाँ पे आए थे पर यहाँ पे ना एक्चुअली क्या हो गया, बहुत गंदा है सब सब बहुत गंदा है। तो हम लोग सोच रहे यत्विक को थोड़ा पानी में लेके जाने का, तो बहुत ही गंदा है। तो हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स गोराई साइड, वहाँ पे थोड़ा बहुत क्लीन होता है। और ये छोटा बच्चा देखो, और वो सामने आ गया गोराई बीच, ये देखो। तो हम लोग ने सिम्बा को वहां पे खड़ा कर दिया है और आज लो टाइड है और पानी बहुत अंदर है। और ये सब जगह पे मैं स्टंट नहीं करना चाहता जब यात्विक और कोमल साथ में है, क्योंकि पानी का है बोल का है पापा ये रे केवड़ी चकरी पानी। तो क्या होता है यहाँ पे, सब लोग गाड़ी बाइक लेके आते तो है मगर कभी कभी फंस जाती है यहाँ पे, तो वो सब स्टंट में ये लोग के साथ नहीं करना चाहता। और बहुत ही ब्यूटीफुल इवनिंग है, आप देख सकते हो। यत्विक पहली बार उसका पैर उसने सी पे रखा है और आप देख सकते हैं हाउ इज प्लेइंग नाउ। यत्विक काय ते चालेल।
गोराई बीच, उत्तन बीच, ये सब जगह पे आपको आना है ना, तो मैं आपको बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ। वीकडेज में आओ, भले आज छुट्टी है, मतलब 25 दिसंबर के बाद मोस्टली हर स्कूल को छुट्टियाँ होती है, तो पेरेंट्स बच्चे सब लोग घूमने के लिए निकलते हैं। जैसे मैं अभी कर्नाटका गया था, 2.5 hours आई वॉज स्टक इन लोनावला, तो वैसे यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सीन होता है। मगर ऐसे दिन में आओगे कि वीकडे है और अगर आप शाम को फ्री हो तो ये बेस्ट लोकेशन है, आप और आपकी फैमिली यहाँ पे आके हैंग आउट कर सकते हो। तो पूरा बीच खाली है, पूरा बीच खाली है। यहाँ पे एक गाड़ी पार्क है जो कि ये फैमिली का है, वहाँ पे उनका बच्चा पानी में खेल रहा है, वहाँ पे एक फैमिली है, मतलब बहुत, और एक कार में फैमिली है, फिर ये एक फैमिली आया, ये तो जस्ट अभी आया, वो लोग ने गाड़ी उधर पार्क की है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मगर संडे और सैटरडे मैं बोलूँगा अवॉइड कीजिए, बहुत रश रहता है, पूरा क्राउड यहाँ पे रहता है, पूरा क्राउड। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, मैं आपको अभी दिखाना चाह रहा हूँ। सनसेट तो हो चुका है और पता नहीं कैमरा कितना फोकस कर पाएगा ये चीज़ को, या तो कितना आपको ये कैमरे में दिखेगा। एक एरोप्लेन जा रहा है ऊपर, अब देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है, देखो स्काई, देखो ब्यूटीफुल। और ये हमारा यात्री, हेलो, अरे देवा यात्विक, अरे देवा। तो कॉमेडी सीन ऐसा हो गया, कोमल ने बालों को किया था स्ट्रेटनिंग जो कि बाइक पे खराब हो गए, देन शी वाज लाइक कि स्ट्रेटनिंग मैंने किया सब खराब हो गया, तो मैंने किया, अरे देवा। और यात्विक भी कर रहा है, यात्विक अरे देवा। तो फाइनली हम लोग वहाँ से वॉक करके आए यहाँ तक, और अभी ये देखो इसको, सिर्फ मस्ती चाहिए, सिर्फ मस्ती चाहिए, देखो कैसे काट रहा है, मस्ती करो मस्ती करो मस्ती करो मस्ती करो। चलो अभी हम लोग जा रहे हैं गोराई का, वो फर्स्ट एग्जिट जो था मैंने आपको बताया था ना, तो वो एग्जिट से हम लोग तो जाएंगे। अभी हम लोग आए थे ये बाजू से, तो लेट्स गो कमल, चलो डॉगी डॉगी कुटे बगीतला डॉगी, ये बोलो जय श्री राम, वेरी गुड। अब यत्विक नॉन स्टॉप बड़बड़ करेगा, नॉन स्टॉप उसका एनर्जी लेवल हाई हो चुका है ऑलरेडी। अब उसने डॉगी डॉगी चिल्लाना चालू किया, अभी हम लोग डॉग को ढूंढे, देख डॉगी यत्विक, पर वहाँ पे कपल है, हम लोग नहीं जाएंगे उनको, हम लोग डिस्टर्ब करने वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, और कोई डॉगी ढूंढते। बहुत ही अच्छा सनसेट था और बहुत ही अच्छा छोटा सा टाइम स्पेंड किया हम लोग ने, बस घूमने लेके आए थे हम लोग यत्विक को, बहुत मज़ा आया। अब रिटर्न जर्नी चालू करते घर की तरफ, और ये वीडियो को मैं सोच रहा हूँ यहीं पे एंड करूँ। तो दोस्तों आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका 100% रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बी विद मी ऑन द राइड ऑफ ड्रीम्स, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, लव यू ऑल।